हाँ जी बेटे, चलो आज कर रहे हैं हम वही जो हमने कल शुरू किया था, कबीर। कबीर का लास्ट रह गया था। कबीर का जो हमने बेटे कल शुरू किया था, उसमें जो मेन चीज मैंने बताई थी वो ये थी कि कबीर जी की भाषा तो दुकड़ी भाषा है, ठीक है। कबीर जी पंचमेल खिचड़ी भाषा लिखते हैं। लिखते क्या मतलब, बोलते हैं। कबीर जी ने पंचमेल खिचड़ी का प्रयोग किया है और उनकी भक्ति निर्गुण भक्ति है, ठीक है। कबीर जी की जो लेसन है उसका नाम है साखी, रिटन बाय कबीर जी। साखी का मतलब होता है साक्षी, प्रत्यक्ष प्रमाण। ओके, हमने कल ये सारा किया था। फिर उसके बाद एक 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 करके सारे दोहों की व्याख्या की थी हमने, जिसमें से 7 दोहे हो गए थे। और लास्ट रह गया था हमारा, सेकंड लास्ट कौन सा था देखना, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोय, एक के आखर पीर का पढ़े सो पंडित हुए। यहाँ पे हमने बंद किया था कल, ठीक है, कि शास्त्री धार्मिक ग्रंथ पढ़ पढ़ के दुनिया जीवित रहती है, मर जाती है। हम लोग यही समझते हैं कि धार्मिक ग्रंथ पढ़ने पढ़ने चाहिए, लेकिन जिसने प्यार का एक शब्द पढ़ लिया, समझ लो वो पंडित बन गया, ठीक है। इसके बाद लास्ट था, हम घर जाले आपना लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जालो तास का, तो चले हमारे साथ। मेरे साथ चलोगे ना तो आपका भी घर जला दूंगा, मैंने अपना घर जला लिया है। मुराड़ा मीन्स जलती हुई लकड़ी लेकर, ठीक है, जलती हुई लकड़ी लेकर मैंने अपना घर फूंक दिया है, मुझे घर नहीं चाहिए। अब क्या कबीर जी को घर नहीं चाहिए था रहने के लिए? घर फूंकना का मतलब है भौतिक चीजों का मोह छोड़ देना, सांसारिक मोह छोड़ना। सांसारिक मोह छोड़ना, ठीक है, संसार की चीजों से मोह छोड़ देना। सांसारिक मोह मीन्स दुनिया की चीजा, कार, कोठी, बंगला, खाना पीना, हम लोग सारा यही फंसे रहते हैं ना, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा मेरा करते रहते हैं। मतलब वो कहते हैं मैंने सांसारिक मोह छोड़ दिया, मुझे किसी चीज से प्यार नहीं है। क्यों प्यार नहीं है? कबीर जी को किसी चीज से प्यार क्यों नहीं है? क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि वह परमात्मा से बिछड़े हुए, बिछो का पता चल गया है। सुखिया सुखिया सब संसार है, खाए और सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि वो परमात्मा से बिछड़े हुए हैं। हमारा वास्तविक जो उद्देश्य है वो परमात्मा से मिलन है, संसार की चीजें इकट्ठा करना नहीं। क्योंकि कोई भी संसार की चीज हमारे साथ नहीं जाती बेटे, जो भी हम इकट्ठा करते हैं वो यहीं रह जाता है। इसलिए उन्होंने कहा है हम घर जले आ अपना, हमने अपना घर जला लिया है। घर जलाने का मतलब सांसारिक मोह खत्म, भौतिक वस्तुओं के संग्रह की तरफ कोई ध्यान नहीं है। भौतिक मीन्स मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड को प्यार नहीं करते हम, मोह माया से परे। व्हाट डू यू मीन बाय मोह माया? मोह होता है प्यार, मेरा बच्चा इसके लिए संभाल लूं, मेरी बच्ची इसके लिए रख लूं, मेरे पति, मेरा वो, ठीक है, इसके विनीत, ओके, ठीक है, मेरा मेरा करके, ये मोह होता है। माया माया पैसा, ये दो चीजें ही तो हमें पीछे खींचती हैं, ठीक है, रिश्ते और पैसा, ओके। तो बच्चे उन्होंने कहा है हम घर जा लिया अपना, अपना घर जला लिया है, लिया मुराड़ा हाथ, जलती हुई लकड़ी, मशाल हाथ में पकड़ के हमने अपना घर जला लिया है। हमेशा हम किसी भी चीज को जलाते हैं तो मशाल से ही जलाते हैं, जलती हुई लकड़ी से ही जलाते हैं, ठीक है। अब घर जालो तास का, अब उसका घर भी जला दूंगा। उसका किसका? जो चले हमारे साथ, जो मेरे साथ भक्ति के रास्ते पर चलेगा, जो मेरे साथ भक्ति के रास्ते का साथी बनेगा, जो मेरे साथ ईश्वर की उपासना के रास्ते पर चलेगा, मैं उसका भी सांसारिक मोह खत्म कर दूंगा, मोह प्यार तब खत्म कर दूंगा।
ठीक है, कबीर जी ने बस यही कहा है। कबीर जी का कहा हुआ दो लाइनों में है, दोहे हैं, इसकी मात्राएं और शब्द लिमिटेड होते हैं, 13 और 11। ठीक है, तो उतने में ही कहा है। वैसे ये अपनी तरफ से ये बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, जुलाहे थे, इन्होंने अपना जीवन गरीबी में बिताया है और इन्हें कभी अमीर होने की इच्छा भी नहीं थी, चाह भी नहीं थी। ठीक है, वैसे भी ये कहते हैं साईं इतना दीजिए जामे कुटुम कमाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। कहते ही ऐसे हैं कि इतना ही पैसा देना, बस ज्यादा पैसा मुझे नहीं चाहिए। और आप देखते हैं ज्यादा पैसा हमेशा बिगड़ने का कारण बनता है। जिसके पास ये जुलाहे थे, जुलाहे नहीं, इन्होंने कुछ लिखा नहीं है बेटे, लोगों ने, फॉलोअर्स ने, इनके शिष्यों ने लिखा है जो लिखा है। ठीक है, वीवर से ये। ओके, तो शुड वी स्टार्ट द नेक्स्ट वन, मीरा। ओके, इसके बाद मैं दूसरी शुरू कर रही हूँ, मीरा। और मीरा की लिखी हुई है पद, लेसन का नाम है साखी और पद। ठीक है, अब मीरा के पद शुरू कर रहे हैं हम। अब मीरा मीरा की भाषा भी ऐसे ही मिक्स भाषा है, राजस्थानी, भोजपुरी, ये सारे शब्द इसकी भाषा में भी मिलते हैं। आपके कवि परिचय में होगा कि कौन कौन से शब्द मिलते हैं, मैं एक बार देख के आपको पढ़ ही देती हूँ कि इनकी भाषा में रिटर्न कौन कौन से शब्द हैं। रूहानी कुछ कहना है बेटा, रूहानी कुछ पूछना है या कुछ कहना है बच्चे? कुछ कहना है? यस मैम। हाँ जी बोलो। यस मैम, मैम एक बार भाषा शैली करवा दो साखी की। ओके 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 ओके, थैंक यू फॉर टेलिंग मी। भाषा शैली, भाषा शैली। वैसे तो बच्चे एक बात, मेरी बात सुनिए, आपको इस टर्म में, आपको इस टर्म में एमसीक्यूज आने हैं। ठीक है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं आना, एमसीक्यूज आने हैं। एमसीक्यूज में भाषा शैली, कबीर जी की भाषा कौन सी भाषा है? तो दुखड़ी भाषा है। शैली कौन सी है? दोहे लिखते हैं, दोहे छंद है, दोहा छंद है, उसमें लिखा हुआ है दोहा छंद है, दोहे लिखते हैं। ठीक है, भाषा शैली इस समय अगर एमसीक्यूज में आएगा तो इतना ही है, और क्या आ जाएगा भाषा शैली में? ठीक है, अदरवाइज हम अलंकार भी लेते हैं अगर हो बीच में, तो मुझे नहीं लगता कि इनके किसी उसमें आपके वो जो दो अलंकार हम करते हैं वो हैं इसमें। हाँ है, पोथी पढ़ पढ़, पोथी पढ़ में अनुप्रास अलंकार है, पढ़ पढ़ में है पुनरुक्ति अलंकार। ठीक है, और है, बस मुझे नहीं लगता, निंदक नेड़ा में है अनुप्रास अलंकार, ये भी उसी में आते हैं ना, शैली में ही आते हैं ये। फिर राइमिंग वर्ड्स हैं, तुकांत शब्दों का प्रयोग शैली में। बेटे क्या क्या होता है, एक तो इनकी भाषा कौन सी है? इनकी सुदुकड़ी भाषा है। ठीक है, एक भाषा होती है, फिर एक स्टाइल क्या है इनका, तुकांत शब्दों का प्रयोग है, दोहा छंद है, दोहे गाए जा सकते हैं, यही सारा शैली में आता है। ठीक है, और एक खास चीज आती है कि इन्होंने, ओके, पलक इज इन वेटिंग रूम, आई रिमूव्ड माय वेटिंग रूम, बच्चे मैंने वेटिंग रूम इनेबल कर दिया हुआ है, इनेबल कर दिया हुआ है, फिर भी लेट मी सी। ओके ओके, ठीक है बच्चे, तो ठीक है, भाषा शैली क्लियर हो गया, भाषा और स्टाइल क्या है, तुकांत शब्द गाए जा सकते हैं, दोहे इजीली गाए जा सकते हैं, यही चीजें होती हैं। ठीक है, भाषा कौन सी है, किस चीज में लिखा हुआ है, गाए जा सकते हैं या नहीं, तुकांत शब्द हैं कि नहीं, तुकांत होते हैं राइमिंग वर्ड। ठीक है, और इसमें क्या कहा गया है, ये सारी चीजें होती हैं। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा, आज तो काफी पार्टिसिपेंट हो गए बच्चे, 14 इंक्लूडिंग मी, 13 बच्चे आ गए।
चलो ठीक है, आगे देखिए। आगे है बच्चे मीरा, मीरा की भाषा जो है देखिए, मीरा हिंदी और गुजराती दोनों की कवित्री मानी जाती है। हिंदी और गुजराती दोनों भाषाओं की कवित्री मानी जाती है। ये संत रविदास की शिष्या थी, मीरा रविदास की शिष्या थी। ओके, रविदास इसके गुरु थे। मीरा की भक्ति, अब जैसे कबीर की भक्ति निर्गुण थी, मीरा की भक्ति है हमारी सगुण। मतलब ये मूर्ति पूजा करती है, ये श्री कृष्ण को पूजती है, श्री कृष्ण इसके प्रभु हैं, श्री कृष्ण को ये अपना पति मानती है। ओके, और इसकी भाषा है राजस्थानी, ब्रज और गुजराती मिक्स, राजस्थानी ब्रज और गुजराती मिक्स, तीन भाषाएं मिक्स हैं इसकी, क्योंकि ये राजस्थान की थी ना, तो राजस्थानी, गुजरात राजस्थान के पास ही है, और साथ में ब्रज भाषा जो श्री कृष्ण के गांव की भाषा है। हाँ ठीक है, तो यही है। बाकी मीरा के दोहे भी, पद भी, सॉरी दोहे नहीं, पद, मीरा के पद गाए जाते हैं, आसानी से याद हो जाते हैं। मीरा ने तुकान शब्दों का प्रयोग किया है, मीरा ने भी अलंकारों का प्रयोग किया है, काटी कुंजर है ना, अलंकारों का प्रयोग भी किया है। ओके, भाषा और शैली में अलंकार आता है, भाषा आती है, फिर स्टाइल आता है, तुकान शब्द आते हैं और अलंकार आता है। ठीक है, क्लियर सक्षम, क्लियर है ना। ओके, हरी आप हरो जनरी भीर, जनरी भीर, जनरी क्या है, जन की, भीर मीन्स पीड़ा। हरी आप हरो जन री भीर, मतलब आप हर व्यक्ति की पीड़ा को हरते हो। हरी आप हरो जन री भीर, आम जनता की पीड़ा को आप दूर करते हो। ठीक है, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, द्रौपदी की इज्जत रखी थी आपने, द्रौपदी की इज्जत बचाई थी आपने। भरे दरबार में जब दुशासन उसके वस्त्र का हरण कर रहा था, तो श्री कृष्ण ने वस्त्र बढ़ाकर उसकी इज्जत की रक्षा की थी। ठीक है, तो द्रौपदी री लाज रखो, द्रौपदी री मीन्स की, द्रौपदी की इज्जत रखी आपने वस्त्र बढ़ाकर, आप बढ़ायो चीर, चीर वस्त्र पटन पट पट, ठीक है, ये हमारे वस्त्र के पर्यायवाची हैं, कपड़े के पर्यायवाची शब्द हैं, चीर, चीर मीन्स वस्त्र कपड़ा। ओके, भगत कारण रूप नरहरि धरयो आप शरीर, अपने भक्त की रक्षा करने के लिए आपने शरीर रूप में आए, आप मनुष्य रूप में आए, आप शरीर धारण करके आए, और किसका शरीर धारण किया, नरसिंह का, आपने नरसिंह का अवतार लिया। हाँ, मुंह से शेर और नीचे इंसान, और रक्षा किसकी की थी, भक्त की, प्रहलाद। बेटे अब हम इन चीजों को इग्नोर नहीं कर सकते। मीरा के वस्त्र हरण कौन कर रहा था, दुशासन, दुर्योधन, दुशासन, दुशासन ने वस्त्र हरण किए थे, ऑर्डर किया था दुर्योधन ने, दुशासन ने उनका वस्त्र खींचा था, दुशासन ने, ठीक है, याद रखना। और यहाँ पे नरसिंह का अवतार धारण किया प्रहलाद को बचाने के लिए। प्रहलाद वही है जिसे होलिका के साथ बिठा दिया गया था आग में, है ना, उसको किसका, राजा बेटे इसके फादर ही था। हाँ, प्रहलाद का फादर ही था हिरण्यकश्यप, हरिणयकश्यप, ठीक है, ऐसे है उसकी कहानी, हरिणयकश्यप, राक्षस था ये, कहता था मैं ही भगवान हूं, मुझे पूजो बस, किसी और को मत पूजो। ये जो थे प्रहलाद थे, ये विष्णु भक्त थे, है ना, इनको बड़ी यातनाएं दी गई, बड़ी तकलीफ दी गई, कभी कहा गया कि आप तपते हुए खंबे को पकड़ लो, तो इन्होंने देखा छोटी सी चींटी चली, चींटी चली जा रही है, तो उन्होंने सोचा छोटी सी चींटी जा सकते, मैं भी जा सकता हूँ, कुछ नहीं हुआ, जहर दिया गया, बहुत कुछ किया गया इनके साथ, लेकिन इनको कुछ नहीं हुआ। ठीक है, होलिका की गोद में, होलिका को वरदान था आग में कभी नहीं जलेगी, तो
वो इनको लेकर गोद में बैठ गई, लेकिन नहीं हुआ। फिर जब अंत हो गया, जब बहुत ज्यादा कहते हैं अत्याचार बढ़ गया, तो इन्होंने नरसिंह का अवतार लिया। अब नरसिंह का अवतार भी क्यों लेना पड़ा? क्योंकि उसे वरदान प्राप्त था, ना अंदर मरेगा ना बाहर मरेगा, ना आदमी से मरेगा ना जानवर से मरेगा, ना सुबह मरेगा ना रात को मरेगा, ठीक है, ना अस्त्र से मरेगा ना शस्त्र से मरेगा, ठीक है। तो क्या हुआ था, नरसिंह का अवतार धारण किया उन्होंने, है ना, ना आदमी ना इंसान ना जानवर, ठीक है। अब ना अस्त्र से मरना ना शस्त्र से मरना है, लंबे लंबे नाखूनों से उसका पेट काटा था, ना अंदर मरेगा ना बाहर मरेगा, दहलीज में बिठा दिया लेकर, उसे अपने जंगा पे लिटाकर दहलीज पे बैठ गए थे, ठीक है। तो इस तरह उसका अंत किया था, उसका वरदान भी रह गया उनका और उसका अंत भी कर दिया, क्योंकि बुराई का तो हमेशा अंत होता ही है। दिस वॉज अबाउट भक्त कारण रूप नर हरि धरयो आप शरीर, धारण किया आपने शरीर को नर सिंह के रूप में। ओके, ये स्पेलिंग सारे हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप, ये प्रहलाद, हिरण्यकश्यप, नरसिंह, प्रहलाद, ये सारे स्पेलिंग आपके, मैं तो वहां लिखा होगा आपको ऑप्शंस में आना, लिखना तो कुछ है ही नहीं इस बार, लिखना तो कुछ है ही नहीं। प्रहलाद, प्रहलाद बेटे हिरण्यकश्यप का बेटा था प्रहलाद, ये भक्त था, ये विष्णु का भक्त था, इसे ही तो प्रताड़ित किया गया, इसे ही तो यातनाएं दी गई। बाप होके अपने बच्चे को कहता था मुझे भगवान मान, ये मानते थे प्रहलाद, प्रहलाद मानते थे विष्णु को, इन्हें बार बार तंग किया गया। होली का बुआ थी, हिरण्यकश्यप की बहन थी, उसे गोदी में बिठा के उसको बिठा दिया गया, ये बच गया, वो मर गई, ठीक है। फिर जब अत्याचार की सीमा लांग गई ना, तो नरसिंह का अवतार लिया विष्णु जी ने, ठीक है, और प्रहलाद की जान बचाई। ओके, आगे है बच्चे, बूढ़त गजराज रखियो, बूढ़े गजराज की, गजराज हाथी, हाथियों में राजा है ना, गजराज रखियो, काटी कुंजर पीर, उनके दुख का निवारण किया। What do you mean by कुंजर? देखें पीछे लिखा हुआ है, हाँ हाथी, हाथी की। अब ये जो बूढ़त गजराज राखो, बूढ़े गजराज की इज्जत रखी, उसके दुख को दूर किया, ये हाथी था एरावत हाथी, सफेद हाथी, ठीक है। पर यहाँ पे हमें कुछ नहीं लिखा उसने, उसने बूढ़ा हाथी कहा है तो हम बूढ़ा हाथी ही रखेंगे। बूढ़े हाथी को बचाया, इज्जत रखी, ठीक है, काटी कुंजर पीर, दासी मगरमच्छ ने पकड़ लिया था इसका पैर ना, हाथी का, ठीक है, मगरमच्छ ने नदी में हाथी का पैर पकड़ लिया था, तो श्री हरि ने खुद बचाया था। ये कहानी मुझे बहुत डिटेल में नहीं मालूम, बस इतना ही मालूम है। दासी मीरा लाल गिरधर, दासी मीरा, मीरा कहती है मैं दासी हूं, मैं आपकी सेविका हूं। दासी मीरा लाल गिरधर, किसकी? श्री कृष्ण की। गिरधर लाल किसे कहा जाता है? श्री कृष्ण को। हरो मारी भी, मैं आपकी दासी हूं, मेरी पीड़ा भी दूर करो। हरो मारी, मेरी पीर, मेरी पीड़ा भी दूर करो। और इसको, मीरा को क्या पीड़ा है? मीरा को क्या पीड़ा है जो कह रही है मेरी पीड़ा दूर करो, मेरी पीड़ा दूर करो? पेट दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है मीरा के? क्या पीड़ा है? कल बताया था कबीर जी की जो पीड़ा है वही पीड़ा इसकी है। मोह माया नहीं बच्चे, ये प्रभु के दर्शन पाना चाहती है, प्रभु को प्राप्त करना चाहती है, प्रभु के दर्शन चाहती है, ये प्रभु के दर्शन चाहती है। दासी मीरा लाल गिरधर, हरो मारी पीर, प्रभु के दर्शन ही। कहते मेरी पीड़ा भी दूर करो। और यहाँ पे बेटे वो उलाहना दे रही है, जब हम किसी और का, जैसे आप मम्मी के साथ कभी बहस करो
तो आप कहते हो ओ देखो ओ पड़ोसियां दी मम्मी तो कुछ नहीं कहती, तुसी हर टाइम डांट दे रहे हो, है ना। उसके पापा तो देखो कितना प्यार करते, रोज घुमाने लेके जाते हैं, आपको लेके नहीं जाते। जब आप किसी का कंपैरिजन करके बताते हो ना, मतलब आप उलाहना दे रहे होते हो, शिकायत कर रहे होते हो। वर्ड है उलाहना, उलाहना, आप उलाहना दे रहे होते हैं, आप शिकवा कर रहे होते हैं, ठीक है। और उलाहना आप किसको दे सकते हो? सिर्फ अपने लव्ड वंस को, जिसे आप बहुत प्यार करते हो, शिकवा आप उसी के साथ कर सकते हो। आप कभी पड़ोसी आंटी को जाके नहीं कह सकते, आंटी आप अपने बच्चे को ले जाते हो, मुझे तो लेके नहीं जाते। नहीं ना, आप अपनी मम्मी को कह सकते हो कि मम्मी देखो आप मेरे साथ ऐसे नहीं करते, मम्मा आप ये नहीं करते, आप तो मुझे प्यार ही नहीं करते, आप तो भैया को प्यार करते हो, आप तो बीवी को प्यार करते हो। आप अपने प्यारों को ही उलाहना दे सकते हो वैसे नहीं। इसका मतलब मीना बहुत प्यार करती है श्री कृष्ण से, जो उलाहने देती जा रही है। द्रौपदी की लाज रख ली आपने, नंबर 1। नंबर 2, आपने उसकी प्रहलाद की इज्जत बचाई, मतलब प्रहलाद की रक्षा की, हाथी को बचाया, पर मुझे भी बचाओ। कहाँ से बचाओ? मुझे भी दर्शन दो, पिछले जन्म में वादा किया था, आगे आएगा ये, ठीक है। आगे देखिए, श्याम माने चाकर रखो जी, गिरधारी लाला माने चाकर रखो जी, श्याम सुंदर हे प्रभु मुझे अपना नौकर रखो। माने मतलब मुझे, चाकर नौकर, श्याम माने चाकर रखो जी, हे गिरधारी लाल हे प्रभु मुझे अपना नौकर रख लो। और मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है नौकर कौन होता है, डेफिनेशन ऑफ नौकर पता है सक्षम? नहीं आपको? वृंदा कीर्ति, हाँ, और बेटे नौकर, मैंने घर में नौकर रखा हुआ है, ठीक है, मैं यहाँ पे बैठी हूँ, सारा घर उसके वाले है, वो नौकर है, वो तो मालिक बना हुआ है इस समय, जो चाहे खा सकता है, जो चाहे पी सकता है, लेकिन मैं जाती हूँ दुबक के बैठ जाता है कोने में, हाँ बीबी जी और क्या करना है, मैंने ये कर दिया, ये कर दिया, और क्या करना है। यानी जब तक मैं सामने होती हूँ वो नौकर होता है, मैं चली जाती हूँ तो घर का मालिक होता है, किसी को घुसने नहीं देता, बाहर से कोई आ जाए तो कहता चल बाहर, यानी कोई घर में उस समय वो मालिक होता है ना। तो यानी ये कह रही है श्याम माने चाकर रखो जी, मुझे अपना नौकर रखो, यानी हमेशा मेरे सामने रहो, हमेशा में हमेशा इंसान नौकर उसी का होता है जो मालिक जब सामने होता है, ठीक है। तो उसका मतलब है कि मालिक आसपास रहे मेरे, हाँ। श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी, मतलब ये श्याम गिरधारी लाला श्री कृष्ण का संबोधन है, ठीक है। कहती है मुझे अपना सेवक रख लो। अब पूछा जा सकता है मीरा क्या चाहती है, प्रभु के दर्शन पाना चाहती है, सेवक रखवाना चाहती है, तो यहाँ पे तो सेवक आएगा ना, पैराग्राफ सामने होगा तो ये लाइनें होंगी, तो उसमें तो आप सेवक कहेंगे चाकर रखो जी। चाकर रहती हूँ बाग लगाती हूँ, चाकर रहूंगी ना, चाकर रहती हूँ, चाकर रहूंगी ना, बाग बनाऊंगी, बाग लगाऊंगी, सुंदर सा बाग लगाती हूँ, नित उठ दर्शन पाती हूँ, आप मेरे प्रभु उस बाग में टहलेंगे तो मैं उठते ही प्रभु के दर्शन पाऊंगी। प्रभु के कमरे में तो नहीं ना सो सकती, प्रभु उठ के उस बाग में टहलेंगे तो सुबह उठते ही मुझे प्रभु के दर्शन होंगे, ठीक है जी। चाकर रहती हूँ बाग लगाती हूँ, रहती हूँ लगाती हूँ का मतलब समझ आ जाता है ना, चाकर रहूंगी बाग लगाऊंगी तो नित्य मैंने रोज उठ के दर्शन पाऊंगी। वृंदावन री कुंज गली में गोविंद लीला गाती हूँ, और क्या चाहती है मीना? वृंदावन की, री मीन्स की है हमेशा, वृंदावन की गलियों में घूम घूम कर श्री कृष्ण के यश के गीत गाना चाहती है, उसकी लीला के गीत गाना चाहती है, श्री कृष्ण कितने अच्छे हैं, कितने सुंदर हैं, उनकी लीला गाना चाहती है। और मीरा करती भी यही रही है बेटा, घूम घूम के श्री कृष्ण का यशोगान करती रही है। यशोगान वर्ड है श्री कृष्ण का, यशोगान,
यश और गान की संधि हो गई, यशोगान, यश के गीत गाती रही है श्री कृष्ण। ओके, वृंदावनरी कुंज गली में गोविंद लीला गाती हूँ, गोविंद की लीला गाऊंगी यानी गोविंद का यशोगान करूंगी। चाकरी में दर्शन पाती हूँ, नौकर रहूंगी चाकर में, नौकर नौकर रहूंगी तो रोज दर्शन पाऊंगी, ये तो क्लियर है, नौकर रहूंगी तो दर्शन पाऊंगी। ओके, सिमरन पाती हूँ खर्ची, और अगर प्रभु का नाम जपूंगी माला फेरूंगी तो ऐसा धन मिलेगा जो जन्मों जन्मों तक चलता है, जन्म जन्म की पूंजी मिलेगी। देखिए दोबारा, नौकर चाकरी में दर्शन पासी हूँ, सिमरन पासी हूँ करती, सिमरन करूंगी परमात्मा का तो मुझे ऐसा धन मिलेगा जो अगले जन्म में भी मेरे साथ जाएगा, करती मिलेगी, पॉकेट मनी मिलेगी, जो मेरी पॉकेट में रहेगी, मेरी ही पॉकेट में रहेगी, जाएगी नहीं कहीं भी। ठीक है, सिमरन पास्यों खर्ची, भाव भक्ति जागीर पास्यों, भक्ति की भावना मन में रखूंगी तो तीनों लोकों का राज्य मिलेगा। मतलब मैं तो कुछ खास बन जाऊंगी ना, भक्ति की भावना रखने से लोक परलोक मेरा सुधर जाएगा, मुझे जागीर मिलेगी तीनों लोकों की। ओके, तीनों बातें सरती, तीनों ही बातें बहुत ही सरल सिंपल हैं, साधारण है तीनों बातें, क्योंकि मीरा करना ही ये काम चाहती है, या नौकर बनी रहना चाहती है, या सिमरन करना चाहती है, या भक्ति की भावना रखना चाहती है। ठीक है, तीन चीजें एक बार हाईलाइटेड करके लिख लीजिए एक तरफ, मीरा क्या करना चाहती है बेटा, एक तो नौकर बनना चाहती है, चाकरी मीन्स नौकर बनना चाहती है, एक सिमरन करना चाहती है, और तीसरा भक्ति भावना रखना चाहती है, और तीनों ही बातों में कहती है बहुत ही साधारण बात है, मेरा ही फायदा है। ठीक है, ये दो पंक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये दो पंक्तियां हर क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चे। क्या है, चाकरी में दर्शन पासी सिमरन पासी खर्ची, भाव भक्ति जगीर पासी, तीनों बातें करती, तीनों बातें बहुत ही सिंपल हैं, बहुत ही साधारण है, बहुत ही फायदेमंद हैं। ठीक है बच्चे, जागीर जागीर तीनों लोगों का राज्य, जागीर पाना ये तेरी जगीर है, ये तेरी जगह है, जागीर तीनों लोग, तीन लोग कौन कौन से होते हैं, आकाश पाताल और आकाश पाताल और पृथ्वी। ठीक है, ओके, ये चार लाइनें खत्म हुई, इसके बाद आगे अब श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन कर रही है वो, टाइम नियर अबाउट होने वाला है, टाइम वो भी बता रहा है कि चलिए 2-3 मिनट और हैं बच्चे, तो मैं आगे श्री कृष्ण की सुंदरता, दैट इज वेरी इजी फॉर यू, मोर मुकुट पीताम्बर सोहे, सबको पता है श्री कृष्ण के मुकुट में मोर पंख लगा होता है, पीताम्बर सोहे, पीताम्बर मीन्स पीले वस्त्र पहने हुए होते हैं उन्होंने, पीताम्बर सोहे, सोहे मीन्स सुंदर लगते हैं पीले वस्त्र पहने हुए, गल वैजंती माल, गले में माला पहनी हुई है, फूलों की, फूल की माला पहनी हुई है, गल वैजंती माल, वृंदावन में धेनु चरावे, वृंदावन की गलियों में गायें चराता है, धेनु मीन्स गायें, धेनु गाय का पर्यायवाची शब्द है, गायें सुरभि धेनु, वृंदावन की, वृंदावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला मेरा कृष्ण, मोहन मीन्स सुंदर, सुंदर श्री कृष्ण मुरली बजाते हैं, मोहन मुरली वाला, मुरली हमेशा उनके साथ रहती है, मोर मुकुट पीताम्बर सोहे, गल वैजंती माल, वृंदावन में धेनु चराए, वृंदावन के स्पेलिंग क्या होते हैं, वृंदा के नाम से वृंदावन, वृंदावन में धेनु चराए,
चरावे मोहन मुरली वाला। ठीक है, बस करूं बाकी कल बेटा रूहानी, सॉरी रूहानी या दक्षिता, सेंड मी द अटेंडेंस। ठीक